मामा, आप इतनी सैड क्यों हैं? मुझे पता है अंकल आपको हर वक्त डांटते हैं, आप इसलिए रोती रहती है ना। राफे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला रो थोड़ी रही हूँ। तो फिर ऐसी क्या बात है मामा, क्या आप ही का बर्थडे भूल गई? क्या मैं अपनी अमल का बर्थडे कैसे भूल गई? ये कैसे हो गया? तो मुझसे नाराज हो जाएगी, आज भी याद है अशफाक ने एक दिन सरप्राइज बर्थडे अरेंज की थी अमल के लिए और हमें मना किया था कि उसे हम विश ना करें और उससे बोले कि हम उसकी बर्थडे भूल गए। बहुत नाराज हुई थी वो, अशफाक से भी उसने बात नहीं की थी। फिर उसी रात जब अशफाक ने उसे सरप्राइज दिया तो बहुत खुश हुई थी, बड़ा प्यार करती थी अशफाक उससे, अमल बहुत प्यारी थी अशफाक को और मैं उसकी बर्थडे भूल गई। मामा आप रोए मत, हम आपी को इस बार फिर से एक सरप्राइज देके उन्हें मना लेंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है मामा। राफे, होमवर्क कंप्लीट करो, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू सो मच रेहान, अगर तुम आज फोन करके बेला को कन्विंस ना करते और वो शाज़िम को ना रोकती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू सो वेरी मच अमर। प्लीज, तुम्हें हर बात पे थैंक्स करने की जरूरत नहीं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। शाज़िम इतने गुस्से में था, मैं जानता था कि बेला ही उसे रोक सकती है, बस इसी यकीन से बेला को कॉल कर ली मैंने। तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुमने एक बार फिर मेरी हेल्प करके मुझे इन सब के सामने रुस्वा होने से बचा लिया। अच्छा तुम जाओ, रिचार्ज मैडम आती होंगी। ठीक है। ये तुम कहाँ घूम रहे हो? कल भी ऑफिस में सब बात कर रहे थे कि काम की तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम मेरी फैमिली है पापा, मैं मोहब्बत करता हूँ आप सबसे और इस तरह से रिश्तों को बिखरते हुए नहीं देख सकता। दुख होता है, तकलीफ होती है। ये सब बातें तुम्हें सोनिया ने सिखाई है ना? मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुम्हें एक प्रैक्टिकल जिंदगी दी थी, इस औरत ने आके सब कुछ स्पॉइल कर दिया। आप उन्हें ब्लेम मत करें, ये फजूल बातें नहीं है, फैमिली तो जीने की वजह बनती है। यकीन करें, मैं दिलशाद हाउस इसलिए नहीं गया था कि मैं आपकी नाफरमानी करूं, आपका दिल दुखाऊं। अगर आप कहेंगे तो आइंदा मैं वहां पे जाऊंगा भी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आइंदा तुम दिलशाद के घर नहीं जाओगे, क्योंकि हानिया इस घर में तभी आएगी मुझसे माफी मांगेगी, समझे तुम? फिक्र नहीं करो पासिल, एक ना एक दिन कासिम को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, फिर वो खुद कहेंगे कि हानिया वापस लेकर आओ घर। वो अपनी जिद छोड़ भी देंगे लेकिन
हनी अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरीके से। अगर एक चीज की वो जिद करती है जब तक मिलती नहीं है तब तक वो राजी नहीं होते। कैसी जिद? अब उसने किस चीज की जिद लगाई हुई है मुझे तो बताओ। ये मैं आपको नहीं बता सकता। हानिया, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? भूख ही नहीं है। देखो, इस हालत में तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। और टेंशन नहीं लो, किसी बात का भी स्ट्रेस मत लो, ठीक है? चलो शाबाश खाओ। नो हानिया, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? जिस शख्स को तुमने पसंद किया ना, उसी ने तुम्हें चीट किया। मुझे बासिल ने चीट नहीं किया। मैं जानती हूँ मुझे वो आज भी बहुत प्यार करता है, मुझे क्यों चीट करेगा? रियली? अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो तुम्हें इस हालत में यहाँ फेंक कर नहीं जाता। ये सारी बातें सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया था मामा? बस अब हानिया को कोई कुछ नहीं कहेगा और उस बासिल का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? सलाम बेगम। तुम फिर आ गए हो? अब क्या मुसीबत है तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए कोई पैसे नहीं दे सकती, उसके इलाज का ठेका नहीं उठाया हुआ मैंने। मैम, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अमल बीबी से मिलने आया हूँ। अमल से मिलने? वो तुम्हें क्या दे सकती है? वो तो मेरे टुकड़ों पे पल रही है। आप मुझसे मिलने के लिए आए? जी बीबी। मैं यहाँ से गुजर रही थी, आपकी आवाज आई। आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है बीबी, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। उसका ऑपरेशन हो गया, वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा।